हर साल दिवाली पर रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर को नोटों और सोने चांदी के जेवरात से सजाया जाता है। करोड़ों रुपए के नोट इसमें इस्तेमाल होते हैं। लोग अपने पैसे और जेवरात यहां लेकर आते हैं, जिनसे मंदिर की सजावट की जाती है। इसी परंपरा के चलते रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर को कुबेर का खजाना कहा जाता है। लाखों की संख्या में लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार दर्शन व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने होंगे। कोरोना के चलते इस बार सावधानी बरती जा रही है। किसी भी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लक्ष्मी जी के मंदिर में सतत बरसों बरस यहाँ प्रशासनिक तरफ से बैरिकेड्स लगाए जाते हैं जनता की सुविधा के लिए। यहाँ नगर निगम लाइट विभाग की ओर से लाइट हेलोजन की व्यवस्था की जाती है। जनता को सुचारू रूप से दर्शन हो जाए और बिल्कुल कोई असुविधा नहीं हो, ऐसे सारे प्रबंध नगर निगम यहाँ करती है। माँ लक्ष्मी जी का भक्त मंडल पूर्ण सहयोग के रूप में रतलाम शहर की जनता का पूरा साथ देकर उनकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होने के लिए जो वो आते हैं उसमें पूरा सहयोग करते हैं। मंदिर को बहुत बुराना है। यहाँ कई सालों से कई भक्तों की जो लंबी लंबी कथाएं लगी रहती है और एक पर्व की तरह यहाँ मंदिर मनाया जाता है। धनतेरस चतुर्दशी को दिवाली, तीन दिन में यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है और कई भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए।